प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ जनरल हमीद गुल सब जानते हैं उन्होंने कहा था कि हमारे जो फैसले हैं पाकिस्तान में नहीं होते एक चीज आपको आज मैं बता देता हूं शायद आपके लम्बे भी हो मुझे रात एक पोस्ट आई और उसमें जो पता चला कि हमारे जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो आजकल अमेरिका के दौरे और इस दौरे को खुफिया रखा गया इसमें दो लोग और इनके साथ है एक लेफ्टिनेंट जनरल जर्न, है और एक और आदमी है दोनों का तलक फौज से ही है चंद दिन से लोगों ने ये सवाल पूछने शुरू किए हुए हैं। वैसे तो काफी अरसे से है लेकिन जब से इमरान खान ने तकरीर में जिक्र किया था अब ये मंजूरी अमेरिका से आएगी कि यही हाजी साहब अगले तीन साल तक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेंगे या किसी नए बंदे को ये जिम्मेदारी दी जाएगी इसलिए मैंने कहा कि कॉमर्स में एक दो लोगों ने लिखा जी आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ए, के इस तरह के प्रोग्राम क्यों करते हैं मैं नहीं करता पूरी सोशल मीडिया भरी हुई है पाकिस्तान में लोगों की मजबूरी है कि वो खामोश रहते है और इसी खामोश ने आज पाकिस्तान को बेकारी बना दिया कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ से आप नहीं मांगते जाके और दूसरी तरफ देखें लिटल्टी स्टोर है वहां पे लोगों को खाना भी नहीं मिलता आटा भी नहीं मिलता और हमारे अगर वजीर खारजा देखें वज़ी अजम देखें तो किस शान बान से अमेरिका में रहते है या पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ भी रहते हैं खैर ये तो वैसे मैंने आपको बता दिया अच्छा अब जो इनका प्रोग्राम है बहुत खतरनाक है आज ही आपने देखा कि इमरान खान के खिलाफ वो जो कबीना इनकी चोरों डाकुओं की बनी हुई है उन्होंने कहा जनाब के इसके ऊपर ये तहकीक करेंगे साइफर के ऊपर दो तीन बड़ी अहम चीजें इसमें समझने की है कि दो तीन दिन से ये दौरा अमेरिका का जारी है और दो तीन दिन बाद ही एकदम साइफर मंजरे आम पे फिर आ गया ऐसी ऑडियो लीक की गई वैसे तो उसमें कुछ भी नहीं कि हम खेलेंगे तो आप भी तो खेल ही रही है तो उसने अगर ये लफज इस्तेमाल कर दिया तो इतना बड़ा कौन सा तूफान आ गया और फौरी तौर पर कबीना ने इजाजत भी दे दी अब ये कहाँ से इजाजत आई अगर ये चीज़ अभी मैं आपको बताऊंगा तो मेरा ख्याल है फिर आप अच्छी तरह ये या तो हमारे प्रोग्राम नहीं देखते या अभी जो मैंने समझाने की कोशिश की वो आप नहीं समझ सके ये वहां से मंजूरी आई है और फौरी तौर पे आपने देखा कि दो से तीन दिन में कबीना ने जी मंजूरी दी है और एफ आई ए जो है वो तहकीक करेगी एफ आई ए है कि जो ये कहेंगे वो तहकीक करके इनको रिपोर्ट दे देगी एक और चीज का इसमें इजाफा कर देता हूँ कि जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने एक खत लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट में और वो आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया कि इस जो भी जो पिछले दिनों गवर्नमेंट गई इमरान खान की साइफर या जो भी अमेरिका पे इल्ज़ाम हैं उसकी तहकीक कराई जाए मगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये मुनासब भी नहीं समझा उन्होंने कहा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे जिस काम के लिए जिन लोगों के लिए बैठे हुए हैं उनके कहने पर हम सब कुछ कर सकते हैं रात को अदालतें खोल सकते मगर सदर पाकिस्तान एक पाकिस्तान में आपके में है कि वो जो खाना पूरी वाला सिलसिला है वो है कोई अहम बात नहीं है किसी ने कोई एप्लीकेशन दी है उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते अब पता नहीं क्या किया ये अल्लाह बेहतर जानता है मगर अभी तक कोई उसकी तहकीक नहीं हुई जब तहकीक नहीं हुई तो पता है कि वो फिर किधर गई एप्लीकेशन नदरीन आप को मैं एक और अभी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये भी हमारे पास इतला है कि इमरान ख़ान को लंबे अरसे के लिए या तो सियासत से अलग कर दिया जाएगा या कोई और तरीका इस्तेमाल करके वो जो भी मसाइल हैं उनका हल ढूंढ रहे हैं इमरान ख़ान को हेलीकॉप्टर में बाई एयर सफ़र से भी एहतियात करनी चाहिए और अपनी सिक्योरिटी को भी बेहतर करना चाहिए अगर हमारे दो अफवाज पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर गिर सकते हैं और कोई पता भी नहीं चलता तो मेरा ख्याल है कि बाकी आप समझदार हैं कि कुछ भी हो सकता है मौसम खराब का बहाना बनाया जा सकता है जदीद दौर में भी अगर आपको ये नहीं पता चलता कि यहाँ मौसम क्या है और यहाँ पे आपने हेलीकॉप्टर के जरिए सफ़र करना है तो मेरा ख्याल है फिर नज़रसानी की जरूरत है तो अल्लाह हाफज है फिर एक और आपको मैं बात बता देता हूं कि इमरान खान ने जो इतना टाइम दिया इनको कल जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपने देखा कि मरियम नवाज जो है उसने तमाम ऐसी बातें की ना तो उसमें अवाम की कोई बात थी ना कोई उसमें मुल्क की बात थी अगर किसी ने सवाल करने की कोशिश भी की के पेट्रोल तेल रूस यूस ये वो तो उसको भी कहा यहाँ पे यही सवाल कीजिए यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी नफरत इन लोगों के दिलों में है ये कोई अवामी लीडर नहीं है ये वाला आपको भी में जो ऑडियो सामने आ रही है और एक और इस चीज में मैं आपको बता देता हूं कि जो शबाज शरीफ है उसकी भी जो अब वैल्यू है वो खत्म हो गई है जिस दिन से जिस दिन से मरियम का केस है, ये जो, जो, जो इन्होंने कराया है अपने हक में उस दिन के बाद नवाज शरीफ चाहेगा कि अगर कभी मौका मिले तो आपकी वजीर अजम ये होगी जो सारा दिन आके सुबह से शाम तक झूठ बोलती और जो दूसरी टीम है शुभाष शरीफ एंड कंपनी हमजा शुभाष उनको बस इसी तरह रखा जाएगा जिस तरह वो पहले रखता था अभी इस पर भी गौर किया जा रहा है कि मरीम किसी सीट पे ये इलेक्शन जीते तो वहाँ आए मगर सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है कि इस वक्त मरीम इलेक्शन किसी सीट से भी अगर पेपर जमा कराती है तो पीटीआई या इमरान खान वहाँ से पेपर जमा करवा देता है तो वहां पे इनकी बोलती बंद हो जाएंगी ये कई इनके लिए मसाइल है अगर आप देखें तो इनके पास आप कोई पता नहीं रहा सियासत इनकी दफन हो चुकी है और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जो इस्लामाबाद का एरिया है या गवर्नमेंट इनके हाथ आई हुई है और जो इनको पीछे से कह रही है शाबा शाबा चलते जाओ उसमें ये जो अपना सियासत इनकी या नून लीग की वो घरक हो चुकी है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पार्टियों का कोई बंदा शरीक नहीं हुआ मगर आया जैसे ही ये इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मंजूरी दी गई तो वहाँ वो सब लोग दोबारा शामिल थे वहाँ पे और वो कहाँ से फौरी तौर पे उनको हुक्म आया कि फ़ौर पहुंचो जितना आप पे खर्चा मरचा किया हुआ है तो उनको याद कराया गया और आपने देखा कि आज वहाँ पे सब लोग थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग नहीं थे ये चंद अहम चीज़ी है अब इसमें जो आपको मैं बता देता हूँ एक और बात कि इमरान खान को देर नहीं करनी चाहिए वजीर आजम उसने बनना या नहीं बनना मगर मुल्क को आजादी की जरूरत है ये आपको मैं बता दू ये जो चंद लोग नून लीग के इस वक्त पाकिस्तान पे कब्जा करके बैठे हुए हैं इनसे छुड़ाना कैसे है मुल्क को और वो अवाम के जरिए छुड़ा सकते ये भी मैं आपको बता देता हूं कि जो फौज है वो अवाम के साथ है अगर चंद बंदे ऊपर वाले जो है वो बिके हुए हैं तो वक़्त के साथ आपको पता चल जाएगा कि क्या तब्दीली आती है अब खुल के ये बातें मैं नहीं बताना चाहता एक और चीज का इसमें इजाफा कर लें कि जेबा चौधरी का जो केस है उसमें जो इमरान खान के साथ ड्रामा किया जा रहा है हो सकता है अभी लिख लें यह बात कि नून लीक वाले जेबा चौधरी को कोई ऐसा नुकसान पहुंचा दे जो कल को मुद्दा जो है वो भी इमरान खान पे डाल दे इसमें भी ये सर जोड़ के बैठे हो गए क्योंकि तो राना सुनाउला आपके इलम में है मैं तो नहीं कह रहा शेर अली के वाल ने कहा था कि ये बीस लोगों का कातिल है और फिर मॉडल टोन का भी आपको पता है तो इनके लिए कोई बंदाशंदा मरवाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर कोई जज है या नहीं है वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है बेशुमार दुनिया में हादसा तो होते हैं तो कोई भी हादसा शो किया जा सकता इसी तरह इमरान खान को जिस तरह मैंने कहा कि फौरी तौर पर जो सफ़र है हेलीकॉप्टर का वो बंद कर दे बाई रोड जाए जहाँ भी जाना और वहाँ भी एहतियात के साथ पूरी अपनी जो चेकिंग वैकिंग है जो भी सिक्योरिटी है उसको मेरा ख्याल है कि हर तरह की देखभाल करनी होगी ये जो चंद चीज़ें मैंने आपको सुबह सुबह बता दी हैं ताकि आपको इलम बने रहे पाकिस्तान में क्या होने वाला है और क्या चल रहा है कहाँ से ये सब कुछ डोरियाँ लाई जा रही है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त अमेरिका में है मज़ीद अगर किसी के पास मालूम हो तो हमें ज़रूर भिजवाइएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप देख सकें अल्ला